हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नॉलेज ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बता दें, इसमें हम आपको स्केलेटन सिस्टम के बारे में बताएंगे। जैसे कि स्केलेटन सिस्टम का मतलब है बोन्स, यानी कि कितनी हड्डियां होती हैं। सारे हड्डियों को हम सरलतम तरीके से आपको बताएंगे और आपको याद हो जाएगा। हम हड्डियों के बारे में कितना जानते हैं, कितना होती हैं हड्डियाँ, ये सब हम पूरा इसके बारे में। जैसे इतने ढेर सारी हड्डियाँ हैं हमारे बॉडीज में, 206 हड्डियाँ होती हैं, उन सब के बारे में हम एक एक करके नॉलेज लेंगे। और हम सबसे पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम चलते हैं स्केलेटन सिस्टम पे। स्केलेटन सिस्टम का डिफिनीशन क्या होता है उसके बारे में, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स अबाउट बोन्स एंड जॉइंट्स इज नोन एज स्केलेटन सिस्टम। यानी कि द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, जो मेडिकल की शाखा होती है जिसमें बोन्स और जॉइंट्स का अध्ययन किया जाता है, उसकी उसको स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। और हमारे बॉडीज़ में 206 बोन्स होती हैं। तो दोस्तों, इन 206 बोन्स का नाम हमको तो अच्छे से याद करना है, तो चलते हम आपको बताते हैं कैसे याद होगा, आइए। तो दोस्तों, स्केलेटन सिस्टम कैसे काम करता है, किस तरह से गति करता है, इसके बारे में हम देखेंगे। जिस तरह से देखिए, ये किस हिसाब से गति कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके बारे में हम अच्छे से नॉलेज आपको देंगे। फंक्शन ऑफ बोन्स, जो बोन्स का फंक्शन होता है यानी क्या काम करता है, वो करता है हमारे सपोर्ट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी को सपोर्ट करता है। प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन्स, प्रोटेक्शन देता है सॉफ्ट ऑर्गन्स का, जैसे हमारे अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं उसका प्रोटेक्शन करता है। और उसके बाद हम कैसे चलते हैं, मूवमेंट ड्यू टू अटैच्ड स्केलेटल मसल्स, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उससे अटैच्ड होकर के वो मूवमेंट करता है। और स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड फैट्स, और इसका स्टोरेज करता है मिनरल्स का, फैट्स का, जैसे फास्फोरस हुआ, कैल्शियम, इन सब का स्टोरेज करता है। और ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है, यानी ब्लड सेल को बनाता है, जैसे रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में आपका ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। बोन्स को क्लासिफाइड किया जाता है उसके शेप के आधार पर, वो किस तरह से दिखता है। लॉन्ग बोन्स होते हैं, शॉर्ट बोन्स होते हैं, फ्लैट बोन्स होते हैं, इरेगुलर बोन्स होते हैं। लॉन्ग का मतलब होता है जो लंबी बोन्स होती हैं हमारे, जैसे सबसे लंबी बोन्स होती है फीमर की। और उसके बाद शॉर्ट बोन्स हैं, शॉर्ट बोन्स जैसे हमारी स्टेपीज है उस तरह से, इसमें दिया भी गया है रिस्ट का, एंकल का, ये सब जो है छोटी छोटी बोन्स होती हैं। फ्लैट बोन्स जो होती हैं वो आपका स्कल का है, स्टर्नम का, ये सब फ्लैट बोन्स होती हैं। इरेगुलर बोन्स होती हैं, जो इरेगुलर में आपका वर्टिब्रा का है, पेल्विस का है, इस तरह का जो भी होता है वो आपका इरेगुलर में आता है। जैसे इसमें आपका दिखाया भी गया है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, देखिए उनके शेप के आधार पे उस यहाँ पे दिया गया है। लॉन्ग बोन्स आपका फीमर दिखाया जा रहा है, शॉर्ट बोन्स आपके यहाँ पे कार्पल्स और रिस्ट के दिखाए जा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे इरेगुलर बोन्स वर्टिब्रा के दिखाए जा रहे हैं, यहाँ पे फ्लैट बोन्स आपकी स्कल्स के दिखाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी हिसाब से हम देखते हैं कई प्रकार के होते हैं, तो इसको क्लासिफाइड किया जा रहा है। अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये इनका नाम क्या क्या होता है। दोस्तों, बता दें कि हमारे शरीर का जो ढांचा बनता है वो इसी बोन्स की वजह से बनता है, जो हमारा शरीर दिखता है इसी बोन्स की वजह से, किस तरह से दिख रहा है वही होता है। और इसका काम क्या है, ये स्ट्रांग बनाता है हमारे बॉडी को, एकदम स्ट्रांग बना देता है। और वेट भी कितना होता है उसी हिसाब से बनता है। जैसे हम अगर एडल्ट में देखा जाए तो बॉडी की वेट के हिसाब से 20% जो है बोन्स का ही वेट होता है। और हमारा जो बोन्स किसके मिलकर के बना होता है, कैल्शियम से मिलकर बना होता है और फास्फोरस से। ये आपका ज़्यादातर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। चेंजेज इन ह्यूमन स्केलेटन, जैसे कि बॉडी बोन्स को देखा जाए तो कैसे बनता है हमारे, जैसे एम्ब्रियोज में होते हैं, एम्ब्रियो में हमारा स्केलेटन जो है सबसे पहले किसका बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, वो कार्टिलेज का ही बना होता है, जो बाद में जो है बढ़ करके क्या हो जाता है, वो रिप्लेस हो जाता है बोन में। और कुछ ही कार्टिलेज जो है रिप्लेस्ड होते हैं बोन्स में और कुछ नहीं होते हैं। तो इसी तरह से हमारा बोन्स तैयार होता है, कार्टिलेज से ही बोन्स बनता है। तो बच्चों में यानी चिल्ड्रंस में देखा जाए तो लगभग 300 बोन्स होते हैं, क्योंकि वो उस टाइम कार्टिलेज होता है। और बड़े होकर के जो एडल्ट में 206 बोन्स होते हैं, तो उसी हिसाब से हम देखते हैं, तो इसको डिवाइड करते हैं, 206 बोन्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्जियल, जो इस तरह से है, देखिए आपका रेड वाला कलर जो है एकदम बीच में होता है, वो आपका होता है एक्जियल।
और उसके बाद जो हमारा होता है एक अपेंडिकुलर, ये आपका देखिए रेड कलर जो एकदम किनारे किनारे होता है वो आपका होता है अपेंडिकुलर। तो इस तरह से हम जो है बोन को दो पार्ट में डिवाइड किए, एक एक्सियल स्केलेटन होता है जो आपका इस तरह से दिख रहा है, देखिए सामने की तरफ जो है इस तरह से और पीछे की तरफ से इस तरह से दिखता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं और ये पसलियाँ होती हैं, खोपड़ी की हड्डियाँ होती हैं, ये सब जो है आपका एक्सियल में होता है। और आपका जो दोनों हाथ का दोनों पैर का होता है वो इस तरह से आपका ये अपेंडिकुलर में होता है। तो इस तरह से आप एक्सियल और अपेंडिकुलर में डिवाइड किए गए हैं। एक्सियल में आपके होते हैं 80 बोन, यानी 80 बोन्स जो है एक्सियल में होते हैं और अपेंडिकुलर में 126 बोन्स होते हैं। तो चलते हैं हम एक्सियल में जो 80 बोन्स पाई जाती हैं, एक्सियल बोन्स में 80 बोन्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे आपका देखिए स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है, रिब केज है। स्कल में आपका 29 है लेकिन एक हायाइड बोन्स होता है, तो होते हैं स्कल को 28 ही बोन्स होते हैं, एक हायाइड लेकर के 29 है। तो स्कल में आपके हो गए 28, 29 मिला करके वर्टिब्रल कॉलम में आपके 26 होते हैं, जो आपकी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं वो वर्टिब्रल कॉलम होती हैं। और रिब केज में आपका एक स्टर्नम आगे की तरफ होता है, उससे जुड़ी हुई रिब्स होती हैं 12 पेयर्स होती हैं, 24 आपकी रिब्स होती हैं, यानी जिसे हम पसलियाँ कहते हैं वो आपकी होता है। तो स्कल का देखते हैं हम उस हिसाब से, इसको भी डिवाइड किया जाता है आपका 3 पार्ट्स में, एक होता है क्रेनियम, एक होता है फेस, एक होता है एयर। तो क्रेनियम में आपका होता है 8 बोन्स पाए जाते हैं, और उसके बाद फेस में आपके 14 बोन्स पाए जाते हैं, और एयर में 6 बोन पाए जाते हैं। बस आपको बता देना चाहूँगा कि आप नोट डाउन करते जाएंगे तो और बेटर रहेगा, आपको तुरंत आसानी से याद हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका स्कल है जिसमें 28 बोन्स होते हैं और एक आपका एक हायाइड बोन्स होता है। तो स्कल में आपके 28 और एक हायाइड मिलकर 29 बोन्स होते हैं। जो आपका यहाँ पे स्कल है, स्कल में क्रेनियम होता है, फेस होता है और एयर्स होते हैं। क्रेनियम में 8 बोन्स, फेस में 14 और एयर में 6 बोन्स होते हैं। तो हम चलते हैं क्रेनियम की तरफ, क्रेनियम में कितने बोन्स होते हैं, 8 बोन्स होते हैं। तो 8 बोन्स आप देखिए यहाँ पे जो पीले कलर का दिख रहा है आपका, यहाँ पे फ्रंटल्स होता है, ये 1 बोन्स होता है। पेराइटल आपका देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ है, ये 2 बोन्स होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड होता है। और कानों के पास जो है, दोनों कानों के पास टेम्पोरल होता है, जो 2 बोन्स होते हैं, एक ऑक्सीपिटल होता है एकदम पीछे जो मेमोरी वाला भाग होता है उसे ऑक्सीपिटल बोलते हैं। और स्फेनॉइड देखिए यहाँ पे जहाँ टेम्पोरल वाला है आपका, वहाँ से थोड़ा से किनारे पे आपका होता है स्फेनॉइड। और एथिमॉइड जो होता है आपकी आई, जहाँ पे नोज़ है वहाँ आई के पास आपका एथिमॉइड होता है। इस तरह से आपके क्रेनियल के 8 बोन्स होते हैं। तो इस 8 बोन्स को आप आसानी से याद कर लीजिए। और उसके बाद हम आते हैं फेस के बोन्स में, फेस में 14 बोन हैं, उनका नाम इस प्रकार से देखिए, एक होता है आपका सबसे ऊपर वाला जो पार्ट्स होता है, इस तरह से चलते जाइए ऊपर से नीचे, एकदम ऊपर वाला नेजल है आपका, नोज़ का जो होता है वो नेजल का 2 बोन्स होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड होता है। उसके नीचे यहाँ पे जो आई वाला होता है, आई के पास जो होता है वो आपका लैक्राइमल होता है, ये भी 2 होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड होते हैं। इन्फीरियर नेजल कोंचा, कोंचा एक जो निकला हुआ होता है अंदर की तरफ होता है, वो भी 2 होते हैं। और देखिए ये आपका जो मूँछों वाला पार्ट होता है मैगजिला, ये 2 होता है। एक मैंडिबल आपका जो दाढ़ी वाला पार्ट होता है, वो मैंडिबल 1 होता है। और एक ही ओमर भी होते हैं, जो दोनों नोज़ के बीच में एक निकला हुआ पार्ट होता है वो आपका ओमर कहलाता है। और एक उभरा हुआ पार्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका जाइगोमेटिक कहलाता है। और एक पैलेटाइन, पैलेटाइन अंदर की तरफ होता है जिसे हम तालू भी बोलते हैं, तालू अंदर होता है उसे ये पैलेटाइन कहते हैं। इस तरह से आपके 14 बोन्स होते हैं, ओमर और मैंडिबल एक एक, बाकी सब 2-2 बोन्स होते हैं। तो फ्रेंड्स इसे याद कर लीजिएगा, फेस के बोन्स इसी तरह से आपके 14 हो गए। और उसके बाद आता है आपका एक आपका एयर का, एयर में 6 बोन्स होते हैं, देखिए इधर 3 इधर होते हैं, 3 इधर होते हैं। देखिए ये फिगर आपका दिख रहा है यहाँ पे इस साइड में, देखिए लेफ्ट साइड में आपका जो दिख रहा है वो इसमें आपका दिखाया है कि स्टेपीज एकदम अंदर की तरफ है, उसके बाद इनकस है, फिर मैलस है। तो इसमें इस साइड में देखिए राइट वाले साइड में आपका सबसे पहले ऊपर की तरफ मैलस है, इनकस है, फिर स्टेपीज है। 3 चीज़ें हैं इसमें, मैलस, इनकस, स्टेपीज। सबसे छोटी हड्डी भी स्टेपीज होती है, आपका बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है स्टेपीज, जिसे आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा।
ये है आपका मैलस और इनकस और स्टेपीज। इस तरह से आपका स्कल समाप्त होता है, स्कल में 29 बोन्स हो जाते हैं। उसके बाद आता है आपका वर्टिब्रा। वर्टिब्रा में आपके कितने भी कितने आते हैं, वर्टिब्रा हो गया, वर्टिब्रा में 26 आते हैं। और एक ये होता है आपका थोरेसिस। देखिए ये सामने आपका थोरेसिस है, थोरेसिस में आपके आते हैं 25 बोन्स। आगे की तरफ जो आपका है कलर में, आपका ये आगे की तरफ ये एक ही बोन्स आपका जो दिख रहा है कलर में, वो आपका स्टर्नम होता है। और ये 12 पेयर्स होते हैं जो वो आपका रिब्स होता है, यानी कुल मिला के ये 25 बोन्स होते हैं। 12 पेयर्स रिब्स, एक 25 होता है। और उसके बाद हमारे जो होते हैं वर्टिब्रा, वर्टिब्रा में आपके 26 बोन्स होते हैं जो आपके क्या कहलाते हैं, रीढ़ की हड्डियाँ जिसे कहते हैं हम। इसमें देखिए ऊपर से आएंगे वर्टिब्रा में, तो ऊपर से एकदम जो है वो आपका होता है 7 जो जोड़ लीजिए वो आपके सर्वाइकल्स होते हैं। उसके बाद जो वहाँ से चलते हैं 12 तक जो है आपके थोरेसिस होते हैं, 5 लंबर होते हैं, एक सैक्रम होता है, एक कॉकिक्स होता है, इधर भी है आपका, टोटल मिला करके आपके होते हैं। तो अपेंडिकुलर में आपके 126 बंस होते हैं, जिसमें आपके दो इसको भी दो में डिवाइड करते हैं। आपका एक होता है गर्डिल और एक होता है यहाँ पे लिम्ब। जो गर्डिल होता है दो होता है आपका, एक पेक्टोरल गर्डिल होता है, एक पेल्विस गर्डिल होता है। पेक्टोरल गर्डिल में आपके क्लेविकल और स्कैपुला पाए जाते हैं, और पेल्विस आपका जो हिप बोन होता है यानी कमर के पास होता है, वो एक इधर होता है, एक साइड में होता है। दोनों दो बोन्स यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ जो होता है आपका कॉलर बोन होता है वो क्लेविकल होता है, और जो पीछे की तरफ होता है स्कैपुला, हाथों से जो इस तरह से घुमाते हैं वो आपका स्कैपुला होता है। इस तरह से दो, एक क्लेविकल इधर, एक क्लेविकल इधर, दो ए हो गए, स्कैपुला दो हो गए, 4 2 6 बोन्स इसमें हो जाते हैं पेक्टोरल गर्डिल में, और पेल्विस गर्डिल में दो हो गए। और कुल मिलाकर के आपके इस तरह से 120 बोन्स और बचते हैं जो लिम्ब में होते हैं। एक अपर लिम्ब में 60 बोन्स होते हैं और लोअर लिम्ब में भी 60 बोन्स होते हैं। तो लिम्ब का देखते हैं, अपेंडिकुलर में आपने देखा पेक्टोरल गर्डिल में क्लेविकल और स्कैपुला थे। क्लेविकल हो गए एक इधर, एक स्कैपुला इधर, दो दो हो गए इधर, यानी 4 हो गए। और पेल्विस जो होता है आपका हिप बोन होता है, ये आपका ख़त्म हो गया, आपका 6 बोन्स इस तरह से। और 120 में आपके लिम्ब में आते हैं, लिम्ब में एक अपर लिम्ब होता है यानी ऊपर की तरफ जो हाथों का होता है उसे अपर लिम्ब, और जो पैर का होता है उसे लोअर लिम्ब कहते हैं। तो आप देखिए आपका जो ये सामने हाथों वाला दिख रहा है, देखिए इसमें क्लेविकल और स्कैपुला को दिखाया गया है, अच्छे देख लीजिए। उसमें ह्यूमरस देखिए आपका, हाथ वाला जो होता है बॉडी जो वाला पार्ट्स होता है वो ह्यूमरस होता है। वहाँ से जो आपका कलाई तक होता है वो आपका उसमें दो बोन्स पाए जाते हैं, एक रेडियस होता है, एक अल्ना होता है। रेडियस जो है अंगूठे की तरफ होता है, अल्ना जो है यहाँ निचली उंगली की तरफ होता है। और उसके बाद वहाँ पे जो कलाई होती है आपकी, वो वहाँ पे 8 बोन्स होती हैं, 8 कार्पल्स होती हैं। तो 8 यहाँ पे मिलकर के उसके आगे जस्ट 5 होती हैं, मेटा कार्पल्स होती हैं। और आपकी उंगलियाँ देखा जाता है तो 14 उंगलियाँ होती हैं, जिसे फ्लैंजेस बोलते हैं। इस तरह से आपके ये टोटल इधर आपके 30 होते हैं, 30 इस हाथ में होते हैं राइट में, 30 लेफ्ट में होते हैं, टोटल मिलाकर के 60 बोन हो जाते हैं। तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन करके देख लीजिए, बहुत अच्छे से एकदम आसानी से याद हो जाएगा। देखिए आपका ये लोअर लिम्ब है, जिसमें आपका एक पेल्विस आता है, पेल्विस वाला आपका देखिए पार्ट दिख रहा है आपका, जो एक बोन्स इधर होती है हिप बोन जिसे बोलते हैं, एक कमर का इधर, एक कमर का इधर, इसे हिप बोन बोलते हैं। उसके नीचे से आपका फीमर होता है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। फीमर जो है आपका सबसे बड़ी लंबी बोन होती है, जो हमेशा पूछा जाने वाला भी क्वेश्चन है। उसके जस्ट सामने आपका घुटना जो होता है उसे पटेला बोलते हैं, और उसके नीचे जैसे आते हैं, जैसे हाथों में था उसी तरह पैर में भी है। वहाँ पर रेडियस था तो यहाँ पर टीबिया है, यहाँ वहाँ पर अल्ना था तो यहाँ पर फिबुला है। और उसमें क्या था, 8 जो है आपके कार्पल्स थे इसमें, लेकिन 7 टार्सल्स होते हैं। एक जो है आपका पटेला में चला जाता है, 7 टार्सल्स हो जाते हैं, सेम उसी तरह जैसे उसमें रहते हैं और इसमें भी वैसे रहते हैं, 5 मेटा टार्सल्स हो जाते हैं और 14 फ्लैंजेस हो जाते हैं। इस तरह से आपके टोटल इसमें भी 30 हो गए, और 30 इधर होते हैं, 30 उधर होते हैं, यानी 60 बोन्स हो गए आपके टोटल, 60 60, 120 और आपके पेक्टोरल और पेल्विस गर्डिल मिला करके 6 हो गए।
तो यानी 126 बोन्स आपके ये दोनों मिला करके अपेंडिकुलर में हो गए और 80 बोन हमने एक्सियल में बताया है। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से रिवीजन करना चाहूँगा। जैसे आपका एक्सियल बोन, इसमें आपके आते हैं एक्सियल में आपके 80 बोन्स आते हैं, जिसमें स्कल 28 होते हैं, एक हायाइड होता है और 26 वर्टिब्रा होते हैं, थोरैक्स में 25 होते हैं। स्कल में आपके क्रेनियम, फेस और ईयर आते हैं। क्रेनियम में आपके फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड, एथेमॉइड होता है, जिसमें पेराइटल और टेम्पोरल दो दो होते हैं, बाकी सब एक एक होता है। फेस में आपके 14 बोन होते हैं, नेजल, मैग्जिला, जाइगोमेटिक, लैक्राइमल, इन्फीरियर टर्बिनेट बोन, पैलेटाइन, ओमर, मैंडिबल, जिसमें ओमर और मैंडिबल एक एक होते हैं, और एयर में 6 बोन्स होती हैं, मैलस, इनकस, स्टेपीज, तीन इसका राइट में, तीन लेफ्ट में होती हैं। एक आपका हायाइड होता है। वर्टिब्रा में आपके 26 बोन होते हैं, सर्वाइकल 7 होते हैं, थोराइसिस 12, लंबर 5, सैक्रम 1, कॉकिक्स 1 होते हैं। और थोरैक्स में आपका आता है एक स्टर्नम होता है जो आगे की तरफ होता है, रिप्स होता है जिसे हम पसली कहते हैं, वो 24 होते हैं। इस तरह से आपके एक्सियल में 80 बोन हो गए, अपेंडिकुलर में 126 होते हैं। इसको दो में डिवाइड किया गया है। आपका एक होता है गर्डिल, गर्डिल में 6 बोन्स होते हैं, लिम्ब में आपके 120 बोन होते हैं। गर्डिल को भी दो में डिवाइड किया गया है, एक पेक्टोरल गर्डिल और एक पेल्विक गर्डिल। पेक्टोरल गर्डिल को दो में डिवाइड किया गया है, आपका क्लेविकल और स्कैपुला जो दो दो होते हैं। क्लेविकल आपका कॉलर बोन, स्कैपुला आपका पीछे की तरफ होता है। पेल्विक गर्डिल आपका हिप बोन जिसे कहते हैं, ये हो गया। लिम्ब में आपका ऊपर वाला जो हाथ होता है, हाथ जो होते हैं वो अपर लिम्ब में होते हैं और लोअर लिम्ब में हाथ में पैर का होता है। तो लिम्ब में देखते हैं, अपर लिम्ब में, आर्म्स में देखते हैं, ह्यूमरस होता है वहाँ से स्टार्टिंग, और रेडियस जो है अंगूठे की तरफ, फिर आलना, फिर कलाई वाला जो भाग होता है वो आता है आपका कार्पल्स होता है। उसके बाद वहाँ से आगे निकलते हैं तो 5 होते हैं मेटा कार्पल्स, आगे 18 आपके 14 जो होते हैं फलेंजेज होते हैं, कुल मिला करके इधर उतने 30 इतने इधर, 30 इतने इधर। लोअर लिम्ब में आते हैं उसी तरह, एक फीमर होता है, एक फीमर के आगे जो आपका घुटना वाला होता है वो पटेला होता है, और टीबिया जो है उसके अंगूठे की तरफ होता है, फिबुला जो है निचली उंगली की तरफ होता है, और उसके बाद फ्लैंजेज होते हैं यहाँ पे, जैसे उसमें कार्पल्स होता है इसमें टार्सल्स होते हैं। टार्सल्स जो होते हैं आपके, इसमें 7 होते हैं लेकिन उसमें 8 होते हैं कार्पल्स। उस तरह से यहाँ पे एक पटेलम चले जाता है, उसके बाद मेटा टार्सल्स उतने ही होते हैं 10, आपके फ्लैंजेज भी उतने ही 14 होते हैं, कुल मिला करके इस तरह से 30 होते हैं, 30 30 60, यानी कि 60 इसमें लोअर लिम्ब में, 60 जो है अपर लिम्ब में, 120, और यहाँ पे गर्डिल मिला करके 6 126 बोन आपके अपेंडिकुलर में पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और उसके बाद इसको देख करके आपको कुछ समझ में आया, यानी बोन्स सब जो है याद हो गए होंगे, धीरे धीरे अगर आप इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से याद होगा। इसको जो बोन्स का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। तो आप गाइस इसे अच्छे से बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और आसानी से याद हो जाएगा, और इसको दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और उसके बाद इसमें देखिए किस हिसाब से आपका बोन्स पूरी तरह से याद हो गया, और अच्छे से सबके साथ शेयर करिए किस तरह से याद होता है। थैंक यू सो मच, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।